कि किस प्रकार से यदि आप धर्म पथ पर आएंगे तो आप, हम आ चुके हैं इस समय धर्म पथ। देखिए आंखों से जो अश्रु है, नमस्कार मित्र, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे ट्रेवल एसआरजे। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से अयोध्या का सबसे सुंदर मार्ग, सबसे आधुनिक मार्ग, सबसे चौड़ा मार्ग अर्थात धर्मपथ किस प्रकार से विकसित हो चुका है और इस समय क्या है धर्मपथ जो मार्ग है इसकी वर्तमान परिस्थिति। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है कि अयोध्या 22 जनवरी के उपलक्ष्य में कितनी तैयार है, कितनी सज्ज हो चुकी है और किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं व व्यवस्थाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को और श्रद्धालुओं के साथ साथ दर्शनार्थियों को मिल रही है। तो बने रहिएगा वीडियो पे, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मित्रों, ये है धर्मपथ और आपको धर्मपथ के ही साइड में आपको यहाँ पर टॉयलेट भी दिख जाएगा जो कि एक बहुत ही आवश्यक के देखा जाए तो है। साथ में यहाँ पर जो पुलिस के जो सिक्योरिटी के जो वाहन है वो भी गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय जो कि जो माहौल है, पूरा वातावरण है वो काफ़ी आध्यात्मिक, काफ़ी जोशपूर्ण है। यहाँ के लोगों के अंदर इस समय जो भी आ रहा है, चाहे वो यहाँ का लोकल हो निवासी अर्थात, या फिर कहें तो बाहर का कोई दार्शनिक हो, यात्री हो, वो सभी लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा उत्साहित है कि जिसकी कोई लिमिट, कोई गणना, कोई जिसकी कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। मित्रों आप देख रहे हैं इस प्रकार से हनुमान गुफा, भरत कुंड और देवकाली जैसे इस तरह से डायरेक्शन दिया गया है साइनेज लगा लगा के कि किस प्रकार से यदि आप धर्म पथ पर आएंगे तो आपको कहां कहां के लिए जाने के लिए रास्ता जो है, मार्ग है वो आपको प्रशस्त करेगा। और आप देख सकते हैं सामने आपको रामकथा संग्रहालय का बोर्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर, जहाँ से आपको बता रहे हैं कि इधर है रामकथा संग्रहालय। और इस समय देखिए कितना जोश और उत्साह के साथ अलग अलग जो मंच लगे हैं, इन मंचों पर लोग अपने अपने जो कार्यक्रम है, अपने जो कल्चरल जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी आयोजन है। यह इस समय भक्त जो पथ है काफ़ी सुंदर है, सज चुका है। और ये आप देख सकते हैं अयोध्या का सबसे चौड़ा मार्ग जो कि 4 लेन में है और जो कि आपको यदि बाईपास से आते हैं लखनऊ साइड से या गोरखपुर साइड से तो आपको यही एक मार्ग है जहां से आप एंट्री करेंगे और घुसते ही आपको पूरी की पूरी जो भक्तिमय माहौल है वो आपको मिलने को मिल जाएगा यह वातावरण। इधर आप देख सकते हैं अभी पेड़ पौधे इधर नहीं लगे हैं, बैरिकेडिंग हो चुकी है। और बैरिकेडिंग के पीछे यदि मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा जो पूरा जो फुटपाथ है वो भी काफ़ी चौड़ा है। फुटपाथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बना हुआ है। मैं आपको अभी एक क्लोज शॉट दिखाता हूँ, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं। इसमें भी दो कलर से जो डिज़ाइन है कॉबल स्टोन्स के वो बनाए गए हैं, जिसमें कि एक है भूरा दूसरा है पीला। और इस प्रकार से जो बीच बीच में आपको रामायणकालीन प्रसंगों को जो उकेरा गया है, बट अभी यहाँ जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ पर फ्लेक्स लगा दिया गया, ढक दिया गया है। और आप इधर से देखिए यह मार्ग के किनारे पर पौधारोपण भी किया गया है और उसके भी ऊपर देखिए आपको अयोध्या का जो एक लोगो है वो देखने को मिलेगा। और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपना लोगो यहाँ लगा रखा है, यह बताता है कि अयोध्या का जो ये पथ है यह विकास प्राधिकरण के द्वारा ही बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि रामायणकालीन प्रसंगों को भक्तिमय जो एक क्या बोलते हैं कि पूरा वातावरण है उसको बनाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से म्यूरल वॉल्स को भी बनाया गया है। और यह आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मित्रों आपको मैं दिखा रहा हूँ भक्ति पथ के बाद, जो भक्ति पथ मैंने आपको कल दिखाया था आपको मैं अब दिखा रहा हूँ धर्म पथ। और धर्म पथ के जो आप देख रहे हैं मैं इसमें इसके फुटपाथ पर चल रहा हूँ, यानी कि जो पेडिस्ट्रियन जोन है आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना चौड़ा, कितना आधुनिक स्तर पर डिज़ाइन युक्त बनाया गया है। साथ में ही आपको साइड में म्यूरल वॉल्स और पेंटिंग मिलेगी और साइड में आप इधर देख सकते हैं डक्टिंग भी हुई है जहाँ पर से नाली का व्यवस्था किया गया। और साथ में यहीं से जो मेन रोड की जो पानी आप देखिएगा, बीच में गार्डनिंग है ठीक है, वहाँ से पानी आएगा, पानी का जो स्रोत है वो यहाँ से स्लोप होते हुए आएगा और यहाँ से सीधा आपको इस नाली में जा मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर तरीके से जो ड्रेनेज व्यवस्था भी बनाया गया है। मित्रों आप देख रहे हैं ये जो मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ ये एक सूर्य स्तंभ का एक दूसरा प्रकार है। और यह जो है ये नॉर्मल सूर्य स्तंभ नहीं है, ये वो सूर्य स्तंभ नहीं है जो कि केवल और केवल धर्म पथ पर, अरे केवल हाँ केवल और केवल जो कि धर्म पथ मिलता है, ये वो सूर्य स्तंभ नहीं है। यह सूर्य स्तंभ आपको आपको पूरी पूरी अयोध्या में सभी मुख्य स्थानों पर देखने को मिलेगा। और यह स्तंभ आपको बीच बीच में हर चौराहों पर इस तरह से एक एक ही डिज़ाइन की मिलेगी जो आपको बताएगी कि आप किसी भक्तिमय स्थान पर आ गए हैं।
आप देख सकते हैं कि यह पूरा मार्ग कितने तरह से सजा दिया गया है। अब आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं इस समय धर्म पथ जो आरंभ होता है उस मुख्य बिंदु पर अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से आपको धर्म पथ का आरंभ होता है और यहीं से आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है पूरी की पूरी अयोध्या का सबसे सुंदर मार्ग। आपको मैं इसकी खासियत कुछ बता दूं कि इस मार्ग पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों को चलाने की अनुमति है। साथ में ही इधर आपको पार्किंग डिसेबल्ड किया गया अर्थात नो पार्किंग जोन पूरी तरह से यह पथ रहेगा और आप इसका जो निर्माण है वह देख सकते हैं कि जो रोड है वो कितनी अच्छी तरीके से बनी है। रोड के जो बीच में डिवाइडर है उससे पूरा पौधारोपण हो चुका है, घास लग चुकी है और आपको दिखाओ दोनों साइड में यह धर्म पथ पर है आपको मिलेगा सूर्य स्तंभ। सूर्य स्तंभ का मैं आपको क्लोज शॉट दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए यह सूर्य स्तंभ है जहाँ पर सूर्य की जो एक प्रतीकात्मक जो लाइट के रूप में बनाया गया है और साथ में ही आप देखिए सामने आपको मिलेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव को कहा जाए तो जो आपके राम जी हैं उनके मुख्य कहा जाए तो प्रथम जो जिनसे यह कुल यह वंश जो कि सूर्यवंशी आरंभ हुए थे उनका यह कुल देव है यानी कि प्रथम कहा जाए तो यही है जिनसे यह पीढ़ी यह मानवता का आरंभ हुआ था और यह इन्हीं को यह मार्ग समर्पित है और इसीलिए इस मार्ग का आरंभ में जो होता है उसी पर उसी स्थान पर आपको सूर्यदेव की यह सुंदर एक प्रतिमा का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया गया है और इसमें इनकी जो प्रतिमा है यहाँ पर उनके जो 7 रथ हैं घोड़ों के वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 7 घोड़ों के रथ पर यह विराजमान है और यह छवि आपको दोनों ओर जो धर्मपथ है आपको दोनों साइड से मिलेगी देखने को। इसी के साथ मैं आपको मित्रों एक और जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह ऐसी वैसी प्रतिमा नहीं है। यदि आप यह सोच रहे होंगे कि यह कुछ समय बाद खराब हो जाएगी धूमिल हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि यह नहीं होगी। यह क्योंकि आधुनिक तकनीकी से FRP अर्थात फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनी है जो कि काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होती धूमिल नहीं होती और इसका जो है कि रख रखाव भी बहुत ही सरल होता है और यह काफ़ी टिकाऊ होती है। तो आप देख रहे हैं ये है धर्मपथ। धर्मपथ की जो आपकी जो सुंदरता है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण हो चुकी है। पिच रोड आप देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं गमले आगे देख रहे हैं और साइड में आपको मैं दिखाऊं जो आप ये वॉल देख रहे हैं ये जो टाइल्स के टुकड़े होते हैं उनसे बनाया गया है और ये काफ़ी सुंदर है। ये आपको जो रामायण के जो कई सारे जो प्रसंग हैं समय समय के जो कालखंड हैं राम जी के जीवन के उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है और साथ में इस प्रकार से कई सारे आपको आगे देखने को मिलेंगे। मित्रों यह आप देख रहे हैं धर्म चौक। इस चौराहे का नाम हो चुका है अब धर्म चौक और इस धर्म चौक की रौनक रंगत आपको देखने को एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। एक साइड में आपको फ्यूल टैंक और जो फूड कोर्ट्स हैं वो खाने पीने के एरियाज़ मिल जाएंगे। दूसरी साइड में ये आपको हाईवे दिखेगा जो कि NH है नेशनल हाईवे है लखनऊ गोरखपुर का और इधर आपको मिलेगा सुंदर धर्मपथ का जो कि आरंभ है और आरंभ ही ऐसा मनमोहक दृश्य है ऐसा दुर्लभ आपको जो प्रतीक है आपको अनुभव है वो कभी और कहीं और नहीं मिलेगा और यही अनुभव आपको अयोध्या को भिन्न करता है और इस भिन्नता से ही आपको अनुभव होता है कि आप किसी ऐसे अलौकिक नगर में आप प्रवेश कर चुके हैं जहां पर आपको अध्यात्म का एक अलग ही स्तर देखने को समझने को जानने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि इस समय अभी भी इस समय शाम का समय हो चुका है लगभग 6:30-7 बज रहे हैं और आपको यहाँ पर यतो धर्मस्तते और जयह ये लिख करके चक्र एक बनाया गया है जो कि एक बहुत ही सुंदर लग रहा है और यही एक इसका आकर्षण है और मुख्य जो है कि आरंभिक पॉइंट है। यदि आप लखनऊ अथवा अयोध्या से गोरखपुर से होते हुए अयोध्या आते हैं यही होगा आरंभिक पॉइंट। देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर म्यूरल वॉल के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है जो प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो धनुष है वो राम जी मार रहे हैं और असुरों से आपको जो मानवता का है मनुष्यों का जो है कि वो सुरक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ कई सारे जो कि जो प्रदर्शन हैं जो रामायणकालीन प्रसंग हैं उनको बताया जा रहा है और सामने आप देखिए किस प्रकार से राम की पैड़ी हनुमानगढ़ी कनक भवन आदि का जो
मार्ग है, साइनेज है, उसके माध्यम से बताया जा रहा है। और इधर देखिए, इधर देखिए, आपको यहाँ पर भी कुछ जो छोटे छोटे जो डिज़ाइन हैं टाइल्स आदि से उनको बनाया गया है। आपको पूरी तरह से मार्ग पर इस प्रकार से पौधारोपण किया गया है। बीच बीच में गमले लगे हैं, बीच के डिवाइडर पर बड़े वाले पेड़ भी लग रहे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि पूरी जो लाइटिंग है वो कितनी अच्छी तरीके से की गई। 3 पार्ट में यहाँ पर लाइटिंग की गई है। और लाइटिंग का जो क्लोज शॉट में अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का जो लाइटिंग है जो स्ट्रीट पोल की वो कुछ इस प्रकार से है। और आपको आसमान में तार आदि देखने को नहीं मिलेंगी। एक आध जो तार दिख रहे हैं वो अभी स्पीकर्स के हैं, आगे चल करके वो स्पीकर के तार भी हट जाएंगे। तो आपको कोई भी वायर जो केबल है वो आपको आसमान में या फिर जो कि आपके छत सिर के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए जो आपको टाइल्स के जो फुटपाथ बने हैं उसकी यह डिज़ाइन कितनी सुंदर है, जो कि चक्र के रूप में बनी हुई है। और मैं आपको एक और फिर से दिखाता हूँ कि राजा दशरथ के पुत्रों और वधुओं के साथ जो अयोध्या में प्रवेश है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि आपके समक्ष है। यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं किस प्रकार से नदी किनारे श्री राम जी का वनवास को यहाँ पर दिखाया गया है। और इस वनवास के रूप में यह भी आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी किस प्रकार से उनकी रक्षा कर रहे हैं और उसमें बैठे हुए हैं, और राम जी सीता जी सो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो मांझी है उनको भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो भी यहाँ पर उनके लिए देख रेख में है। और आप देख रहे हैं यह पूरा धर्मपथ का नाइट व्यू। मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रात में, रात्रि के समय में अयोध्या का जो धर्मपथ है सबसे सुंदर मार्ग वो किस प्रकार से प्रतीत होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मित्रों किस प्रकार से जो सीता जी अपना जो एक पहचान स्वरूप में नाविक को दे रही हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है इस म्यूरल वॉल में। और आपको इस जो देखा जाए तो जो दृश्य है इस छवि से आपको क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पे या फिर कहें तो आप इस दृश्य से आप क्या अर्थ निकालते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं आपको इसी प्रकार से अयोध्या के धर्मपथ की जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही में मैं आपको बता दूँ कि यह अभी मार्ग पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है, अर्थात इसका निर्माण अभी भी शेष है, क्योंकि इसका निर्माण में अभी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें बाकी हैं। और इसका निर्माण तो हो रहा है, बहरहाल इसका उद्घाटन भी हो चुका है। बीते 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन छोटी मोटी कार्य जो है वो होते रहेंगे और मैं आपको इस प्रकार से दिखाता रहूँगा। देखिए आँखों से जो अश्रु है वो भी बहते हुए दिख रहे हैं, और किस प्रकार से भावुकता को इस दृश्य में दर्शाया गया है वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही विचलित एक तरह से कर देने वाला जो भावनात्मक व्यक्ति होगा वो अपने आप में भावुक अवश्य हो जाएगा। और मित्रों एक और जो तस्वीर है, म्यूरल वॉल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से सीता माता की खोज में भाई लक्ष्मण संग श्री राम जी जब वनवास में आगे बढ़ रहे थे तब उनको मृत या फिर कहें तो जख्मी रूप में जो गरुड़ जी मिले थे राम जी उनके साथ दिख रहे हैं। इस प्रसंग में आप कुछ और समझते हो, आपके नज़र में कुछ और इसकी व्याख्या वर्णन मिलती हो तो वो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। कहते हैं कि किस प्रकार से रोड पर जो कोई येलो और जो वाइट जो मार्किंग होती हैं ट्रैफिक रूल्स की उनको भी बनाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है, जो कि बीच बीच में जो आप देख सकते हैं जो रेडियम लाइट्स होती हैं डिवाइडर के रूप में जो डिफ्रेंशिएट करती हैं दो लाइन्स को वो होती हैं, वो दिख रही हैं यहाँ पर। और साथ में आपको यहाँ से आपको आरंभ में ही दिख जाएगा, दूर से ही दृष्टि अगर डालें तो सीधा जो लता चौक की जो वीड़ियाँ हैं वो भी आपको यहीं से दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको धर्मपथ का आरंभ एवं अंत एक प्रकार से हो जाता है। तो मित्रों मैं आपको इस समय नया घाट से लेकर के धर्मपथ का जो पूरा मार्ग है लगभग 1.5 किलोमीटर का जो कि आरंभ होता है नेशनल हाईवे से, और यह इस स्थान का नाम है धर्म चौक। और इस धर्म चौक से आपको पूरी की पूरी जो धर्मपथ की जो वर्तमान परिस्थिति है, सौंदर्यीकरण है, और इसके साथ ही साथ कौन कौन सी वो सुविधाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं जो कि आपको यहाँ पर आने पर अथवा कहें तो यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शनार्थियों को मिलने वाली है उसकी विशेष जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई और दिखाई है। धर्मपथ की यदि विशेष जानकारी जो मेरी प्रस्तुति है वो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम तो लिखेंगे ही, मुझे पता है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।